उसमें दूध रखा है बछड़ी के लिए आप देखिए वो बछड़ी बहुत प्यारी है ये <laughs> बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि यार मिंडी तो ऐसी लगती है यूँ लोग ऐसा बोलते हैं पापा कि मिंडी के बारे में कि दूध क्या ही होगा अब इसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना जो इसकी बछड़ी आई कितना दूध तो मोहिनी है इसकी बछड़ी अभी एक गायत्री है वो वो भी बच्चा देने वाली है अभी तीन चार महीने में बच्चा दे देगी हाँ हाँ इसकी जो पेरी रिकार्ड की जो बच्ची आई उसने आठ लीटर दूध का एक टाइम का निकाला है मैंने रिकॉर्ड बनाया मतलब काम पे मेरे पापा बोल रहे हैं कि मोहिनी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि राधिका को पीछे रख रही है जो लोग पहली पहली बार डिलीवरी करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और जबरदस्त व्लॉग में आज आप देखिए हमारी मिंडी ने यहाँ पर एक शानदार बछड़ी को जन्म दिया है अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं आज आपको दिखाएंगे यहाँ पे आप देखिए अभी हम पहली बार इसका दूध निकाल रहे हैं बच्चा देने के बाद में अच्छा पापा मुझे एक बात बताइए आप कि जब गाय बच्चा देती है तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं पूरा दूध निकाल लेते हैं पूरा दूध नहीं निकालना चाहिए इसका कैल्शियम कमी हो जाती है कैल्शियम की गाय में कमी हो जाती है कैल्शियम की एकदम जो गाय का अगर दूध सब पूरा निकाल देता है उसका एक एकदम डिलीवरी होती है डिलीवरी होने के बाद में फिर अगर दूध सब निकल जाता है तो एकदम गाय कमजोर हो जाती है कमजोर हो जाए तो कितना दूध निकालना चाहिए वो बिल्कुल आधा दूध निकालना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके तीन टाइम में दूध पूरे खाली होने चाहिए तीन टाइम में खाली होना चाहिए और 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 बछड़ी को कितना दूध पिलाना चाहिए बछड़ी को भी कम पिलाना चाहिए चीखा रहता है ना वो एकदम जम जाता हाँ, है पेट में पेट तकलीफ में। देती है हाँ, 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 थोड़ा कम 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 और गाय की भी अभी आप डाइट देखिए मतलब अपन एक डेढ़ किलो लेके आए होंगे इसके लिए हाँ एकदम इसको भी नहीं देना है फिर गोल का पानी और थोड़ा सा अजमा का पानी पिला दो जिसके और जड़ वगैरह सब तंदुरुस्त हो जाता है वो सब मतलब कमी नहीं होती कहीं भी देखिए बछड़ी आई है इसको भी अभी दूध पिलाना है अभी आप देखिए थोड़ा बहुत दूध निकाल लिया है हमने ये देखिए इसको दूध पिलाएंगे अभी हाँ थोड़ी देर बाद पिलाएंगे थोड़ी देर बाद पिलाएंगे बाकी ये देखिए इसको अभी इधर से दो थन का हमने दूध निकाला है उसमें दूध रखा है बछड़ी के लिए आप देखिए वो बछड़ी बहुत प्यारी है ये अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ना कि यार मिंडी तो ऐसी लगती है यू लोग ऐसा बोलते हैं पापा कि मिंडी के बारे में कि क्या ही अब इसके बारे में थोड़ा सा है ना। जो इसकी है, कितना इसकी देती। ने कम से कम आठ लीटर ने मोहिनी मोहिनी जो मोहिनी है इसकी बचड़ी एक गायत्री है वो वो भी बच्चा देने वाली है अभी तीन चार महीने में बच्चा दे देगी इसकी जो पेरी रिकार्ड की जो बच्ची आई उसने आठ लीटर दूध का एक टाइम का निकाला है मैंने रिकॉर्ड बनाया मतलब ये देखिए उठने कोशिश कर रही है अभी है। इसको कैसे पता चल गया कि वही दूध है यार कई बात करें। माँ तो माँ है यार चलो ये देखो भाई बढ़िया ये देखो इसको दूध पिला रहे हैं आज पहली बार जो लोग पहली पहली बार डिलीवरी करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि कैसे शुरुआती दिनों में बछड़े या बछड़ी की आपको केयर करनी है ये देखो ऐसे करके दूध पिलाना पड़ता है शुरू शुरू में और जो आप बोल रहे हो ना वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी का बोल रहे हैं जिसका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा है <coughs> मोहिनी आपको दिखाते हैं अब आप बोलोगे कि इतनी दुबली पतली गाय का ऐसा रिकॉर्ड कैसे आ सकता है वो आ सकता है बुल के ऊपर बुल अगर अच्छा है आपके पास में रिकॉर्ड आपके पास में ज़बरदस्त आएंगे और आप अब आपको मोहिनी दिखाता हूँ मेरे पापा बोल रहे हैं कि मोहिनी ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि राधिका को पीछे रख रही है ये देखो ये है मोहिनी ये देखिए जब ये डिलीवरी देगी ना तब मैं इसकी आपको आठ लीटर मिल्किंग बताऊंगा अरे ये तो है ही सही जीत ये सेकेंड लैक्टेशन में पता चलेगा तीसरे लेक्टेशन में मतलब दूसरे तीसरे लेक्ट्रेशन में पता चल जाए कितना दूध देगी अभी इसकी मिल्किंग आपको दिखाएंगे आकी आप देखिए बच्चा देने के बाद में जीत के जो सिंग है ना वो चलने लग गए हैं यहाँ पे आप देखिए इनकी एकदम ग्रोथ बढ़ गई है पहले इतने बड़े बड़े इसके सिंग थे आप देखिए कैसे इसके सिंग हो गए हैं ये देखिए और फिर रिकॉर्ड देखते हैं देखो ये है हमारे फार्म की लीला आप देखिए दो लीला है हमारे फार्म पे एक तो ये है ये देखिए ये हमारी महात्मा की बेटी है ये बहुत प्यारी है देखो इसके सिंग देखो आप है ना जबरदस्त ये जमना हमारी और कहाँ पे गई हमारी बाकी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था ये रही महात्मा बहुत टाइम के बाद दिखा रहा हूँ महात्मा को ये देखिए सबसे शुरुआत में ये गायें आई थी हमारे फार्म पे। राधिका तो बाद में आई थी सबसे पहले अगर कोई गायें आई थी तो ये आई थी और उसके साथ में ये बछड़ी लेके आई थी इतनी सी बछड़ी आई थी बिल्कुल जरासी ये देखो इसकी भी डिलीवरी होने वाली है पर यार ये बहुत कमज़ोर हो रही है बहुत खिला के देख लिया हमने पता नहीं क्या है जो इसको बाहर डालते हैं ये रही हमारी गंगा ये बहुत प्यारी गायें हैं यार सारी की सारी मैंने यहाँ पे जबरदस्त सारे बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड वाली ये देखिए ये हमारी हाथी की बेटी है सबसे बड़ी वाली और इसने भी बच्चा दे दिया है अभी अभी और ये रहा हमारा अर्जुन यार अर्जुन भी बहुत प्यारा हो गया बहुत सुंदर है ये देखिए बाकी दोस्तों ये देखिए ये है मिंडी और ये रही इसकी शानदार बछड़ी और बहुत प्यारी और बहुत सुंदर है आप देखिए इसको एक बार सुबह पिला दिया फिर एक बार दिन में पिला देंगे फिर एक बार दिन में पिला देंगे तीन बार इसको दूध पिलाएंगे ये देखिए और अभी माँ और बछड़ी का प्रेम चल रहा है यहाँ पे बहुत सुंदर बछड़ी आई है ये देखिए इस बार तो हमारे फार्म पे सारी बछड़े बछड़े आ रही है मतलब अभी हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से बहुत अच्छे अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं पहले सबसे पहले जमुना का आया फिर कपिला का आ गया और आज हमारी मिंडी ने भी एक शानदार बछड़ी दे दी आप देखिए बड़े ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ रहे हैं और अब देखते हैं देखो सबसे मेन हमें अभी करना है राधिका को एक अच्छे बुल से क्रॉस कराना है उसके लिए हम जब अब हीट पर आएगी नेक्स्ट टाइम तब इसको ले जाएंगे यहाँ से सौ किलोमीटर दूर हमें जाना है लगभग अस्सी सौ किलोमीटर तो वहाँ पे ले जाके राधिका को एक बहुत ज़बरदस्त नंदी से क्रॉस कराने वाले हैं और वो नंदी कहाँ पर है सब आपको बताएंगे देखो आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही लाइक शेयर करते रहें और आपके जो सवाल आ रहे हैं ना देखिए मेन आप जो सवाल हमसे पूछेंगे हम कोशिश करेंगे उनके ऊपर भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएँ उनको भी कवर अप करें ताकि आपके जितने भी सवाल हो फार्म से रिलेटेड वो सारे कवर हो पाएँ तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं और हमारे फार्म के बारे में आप अपडेटेड तो हैं से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है हमारे फार्म पे अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इन्हें जा जा शेयर करना है आपको कमेंट करके आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पास वाली घंटी जरूर से दबाएँ ताकि हमारे फार्म के ऐसे ही डेली व्लॉग आपको ज़बरदस्त डेली मिलते रहें चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम